माँ, आपको सुबह सुबह और कोई काम नहीं मिला जो मेरी नींद खराब करने आ गए? पर बेटा, मैं सिर्फ झाड़ू ही तो लगा रही थी। ओफो माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप सुबह सुबह अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाइए, मुझे डर लगता है। अरे बेटा, तू आ गई? आजा जल्दी से खाना खा ले। खाना तो मैं बाद में खा ही लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो आप उनके सामने मत आना अपनी इस एक आंख को लेकर। वो क्या है ना कि फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि मैं कितनी खूबसूरत हूं और मेरी माँ एक आंख से काणी, हंसेंगे मुझ पर। तो माँ प्लीज मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना। ठीक है बेटा। अरे प्रिया बेटा, कल जब तू कॉलेज जाएगी ना, तो मेरे ये चश्मे ठीक कराती आना। ओफो माँ, आप चश्मे पहनकर क्या करेंगे? वैसे भी आपकी एक ही तो आंख है। खामखा चश्मे की बेइज्जती मत करिए। जी नमस्ते, सावित्री जी घर पर हैं? जी वो बाहर गए हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या तू प्रिया है? कितनी बड़ी हो गई है, और तो और बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। लगता है इनकी आंखें भी खराब ही है। बेटा, काश तेरे साथ बचपन में वो हादसा नहीं होता तो आज सब ठीक होता। हादसा? कैसा हादसा? अरे बेटा, वही सड़क हादसा जिसमें तेरी एक आंख चली गई और तेरी माँ ने बिना सोचे समझे उसकी एक आंख तुझे दे दी। क्या? हाँ बेटा, ऐसी माँ किस्मत वालों को ही मिलती है जो जीते जी अपनी आंख अपनी औलाद को दे दे और खुद इस तरह जिए। सुबह सुबह अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाइए, मुझे डर लगता है। मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मेरी माँ एक आंख से काणी, वैसे भी आपकी एक ही तो आंख है। खामखा चश्मे की बेइज्जती मत करिए। अच्छा बेटा, अभी मैं निकलता हूँ, मुझे और भी कई जगह न्योता देने जाना है, तू ये सावित्री को दे देना। इसका मतलब मेरी माँ बदसूरत नहीं है? माँ, माँ मुझे माफ कर दीजिए, आप आज मेरी वजह से इतनी तकलीफ में हैं, और मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ? आपको कोसती हूँ, आप पर चिल्लाती हूँ, आपको बदसूरत कहती हूँ। माँ, आपका ये कर्ज तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैंने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। बेटा, क्या कोई माँ अपनी औलाद से नाराज हो सकती है भला? अरे औलाद तो माँ के लिए सब कुछ होती है, वो उससे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माँ ही तो है जिसने 9 महीने कई दुख झेलकर हमें अपनी कोख में रखा, जिसने मौत से लड़कर हमें एक नया जीवन दिया। आज की इस छोटी सी कहानी के जरिए हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि माँ अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही चाहती है, तो उसे कभी भी अपमानित ना करें।